हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। और ये हमारे मैथ्स 2 से चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4.2 में हमको क्या करना है, टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। यानी कि हमको क्या करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है टू अ सर्कल, और जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, 3.2 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है उसका सेंटर है पी, और हमको पॉइंट एम पे क्या करनी है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है। यानी कि हम क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेंगे एम, और उस एम से क्या करेंगे, हम टेंजेंट बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो, मैंने 3.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सेंटर मानेंगे, ये वाले पॉइंट को सेंटर मानते हैं, और ये 3.2 सेंटीमीटर का जो हमने लाइन कंस्ट्रक्ट किया है, उतना ही हम डिस्टेंस क्या ले लेंगे, अपने राउंडर पे ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्कल क्या होगा, 3.2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो ये हमने सर्कल बना दिया 3.2 सेंटीमीटर का। अब देखो हमको सेंटर क्या लेने बोल रहे हैं, वो पी लेने बोल रहे हैं। ठीक है, और हमको क्या करना है, कोई भी पॉइंट लेना है एम ऑन द सर्कल। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम ले लेंगे एम, और इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमको ऐसा बोला तो है नहीं कि विथ यूजिंग सेंटर बनाओ या विदाउट यूजिंग सेंटर बनाओ। तो हम चलो ये जो क्वेश्चन करेंगे, विथ यूजिंग सेंटर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो विथ यूजिंग सेंटर हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस बनाया है वही लाइन को थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड किया, अब हम क्या करेंगे, तो ये हमने एक्सटेंड किया, अभी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या है, इस लाइन को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम, तो ये एम, एम से क्या करेंगे, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और वही डिस्टेंस का आर्क हम ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड। ओके, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देंगे, और फिर हम एक ऊपर आर्क ड्रॉ करेंगे, और हम एक नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम डिस्टेंस सेम रेडियस लेना, और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, मेरा थोड़ा ऊपर चला गया बट नो वरी, और फिर से मैं इस साइड आ जाती हूँ तो मैं ये ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ, यहाँ जो दो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, और नीचे जहाँ पे दो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, और हमारा ये वाला एम पॉइंट, तीनों क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे आएगी। ठीक है, देखो अभी मैं क्या करूँगी, एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास होगी, और यही लाइन हमारी क्या होगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, पहले सर्कल बनाया 3.2 सेंटीमीटर का, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो रेडियस वाली लाइन थी उसको थोड़ा सा क्या किया, एक्सटेंड किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और इस लाइन के हमने क्या बनाई, इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, और वही परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है टू द सर्कल। ओके, तो ये हमने फर्स्ट वन किया। चलो अभी हम करते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन क्या है, देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। यानी हमको एक सर्कल लेना है 2.7 सेंटीमीटर का, और हमको टेंजेंट बनानी है टू एनी पॉइंट ऑन इट, यानी हम कौन सा भी पॉइंट किधर भी ले, और उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, टेंजेंट को पास करेंगे। तो चलो 2.7 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, रेडियस ले लेते हैं। तो ये देखो, तो पहले हम 2.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो 2
0.7 सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, रेडियस मानेंगे। ठीक है, ये 2.7 सेंटीमीटर का हमको सर्कल बनाना है, तो ये जो है ये जितना भी मेजर है वो मेजर हम अपने राउंडर में ले लेंगे और फिर इस मेजर का ही हम क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये देखो ये बना दिया। ठीक है, तो ये देखो ये सर्कल बन गया हमारा 2.7 सेंटीमीटर का। ओके, अब हम कुछ भी ले लेते हैं, हम सेंटर को कुछ भी अपने ओन से नाम दे देंगे, तो ओ ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये रेडियस वाली लाइन ही क्या करेंगे, थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे। तो पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि हमको जो टेंजेंट बनानी है वो किस पॉइंट पे बनानी है। इस पॉइंट पे बनानी है तो पहले इसको पी ले लो। ठीक है, अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। रेडियस वाली लाइन को ही हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक्सटेंड कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो क्या होगी, इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी, तो और वही हमारी टेंजेंट वाली लाइन हो जाती है। तो देखो हम पहले पी पे अपना राउंडर रखेंगे, पी को सेंटर मानेंगे और कोई भी मेजर का, कोई भी रेडियस का एक आर्क इस साइड ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस साइड ड्रॉ करेंगे सेम डिस्टेंस। फिर थोड़ा सा राउंडर का डिस्टेंस क्या करो, इंक्रीज करो, फिर ऊपर एक आर्क लेंगे और नीचे एक आर्क लेंगे, फिर इधर से हम सेम डिस्टेंस या सेम रेडियस का आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे और नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जॉइन करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन पे ही आएंगे। ये तो ये हमने जॉइंट कर लिया। ओके, तो हमने क्या किया, ये लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, बट ये लाइन क्या है, टेंजेंट है हमारी। ओके, ये लाइन क्या है, हमारी टेंजेंट लाइन है। ओके, एंड रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसलिए हमने इधर ये 90 वाला एंगल वाला हमने सिंबल लगाया। तो ओके, आई होप क्लियर है ये। तो चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो अभी हम करते हैं थर्ड वन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। यानी हमको सेंटर का यूज़ नहीं करना है और हमको क्या करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। ये जो दो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया है, सेंटर का यूज़ किया है और हमने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट की है। तो चलो देखते हैं हम विदाउट यूजिंग सेंटर हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, 3.6 सेंटीमीटर की लाइन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको अभी सेंटर का यूज़ करना नहीं है, सेंटर का यूज़ नहीं करना है, यानी कि हमको वो लाइन की ज़रूरत नहीं है। विथ यूजिंग सेंटर जब हम टेंजेंट बनाते हैं तब क्या हमको ये लाइन क्या है लगती है, ये लाइन क्या है इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी क्या होती है, जो लाइन क्या होती है एक्सटेंड होती है और फिर हम इसके एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, अगर किया तो भी नो प्रॉब्लम, बट नहीं किया तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 3.6 सेंटीमीटर का मार्क ऐसे ले लेंगे। तो 3.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, इसलिए हमने क्या किया, ऐसे रेडियस ये ले लिया। ठीक है, एक प्लेन पेपर में क्या करो, स्केल को रखो और जो राउंडर है हमारा या कंपास है उस पे क्या करो, 3.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो ये हमने रेडियस ले लिया 3.6 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो हमने क्या की, सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी हमको कुछ सेंटर वेंटर का नाम दिया नहीं है, यानी कि सेंटर क्या लेना है वगैरह, तो हम अपने ओन से भी ले सकते हैं, तो ले लो ओ। ठीक है, अब देखो हम पहले तो डिसाइड करेंगे कि कौन से पॉइंट पे हमको टेंजेंट बनानी है। तो सपोज हम क्या करते, ये पॉइंट पे क्या करेंगे, हम टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी एम पॉइंट पे क्या करेंगे, हम टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, एम से क्या करेंगे, एक कॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, हमारा ये सब स्टेप चल रहा है टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने का। तो हम एम से क्या करेंगे, एक कॉर्ड बना देंगे, कैसे भी बनाओ बट कॉर्ड बनना चाहिए। तो ये कॉर्ड बना दिया हमने, समझो हम इसको नाम दे देते हैं एन।
तो अब ये कॉर्ड ने क्या किया, ये सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर लिया, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो अब मेजर आर्क में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। मेजर आर्क में हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यानी पॉइंट पी लिया। अब ये पॉइंट पी को और एन को ज्वाइन करेंगे और ये पी और एम को ज्वाइन करेंगे, ओके। तो अभी ये क्या मिला हमको, एक एंगल मिला है। अब क्या करना है हमको, ये सेम एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोई भी मेजर का या कोई भी रेडियस का क्या करो, एक आर्क ले लो कोई भी रेडियस का, और पी को सेंटर मान के, पी को सेंटर मानते हुए कोई भी रेडियस का एक आर्क बनाओ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस को या ये रेडियस को हिलाना मत। फिर सेम आर्क हम एम से बनाएंगे, तो एम को सेंटर मान के सेम वही डिस्टेंस का क्या करेंगे हम, या वही रेडियस का हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे, ठीक है। ये बना दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, इस आर्क ने क्या किया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को क्या किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो अब ये वाले जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस हमने क्या की, मेजर की, या हमने अपने कंपास में ले ली। अब सेम डिस्टेंस का आर्क हम इस लाइन से बनाएंगे, ठीक है, ये वाले आर्क या ये वाले आर्क के ऊपर रखेंगे और सेम डिस्टेंस का आर्क हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाले एम और ये वाले पॉइंट यानी जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे, इस पॉइंट और इस एम पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। वहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन, ओके। तो हमने क्या किया देखो, पहले तो सर्कल बनाया 3.6 सेंटीमीटर का, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर, जिस पॉइंट से हमको क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हमने एक पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर, फिर हमने क्या किया, उस पॉइंट से हमने एक कॉर्ड बनाया यानी कॉर्ड एम एन। फिर इस कॉर्ड ने क्या किया, सर्कल को मेजर आर्क माइनर आर्क में डिवाइड किया। तो मेजर आर्क में क्या करो, एक पॉइंट ले लो, फिर उस पॉइंट को और एन को और उस पॉइंट और एम को क्या करो, ज्वाइन करो। तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है, उस वही, तो ये एंगल जो है ना, वो सेम एंगल क्या करना है हमको, यहाँ पे बनाना है, एम पे बनाना है, ओके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सेम है। तो ये अगर हमको ये एंगल यहाँ पे बनाना है, तो हमने क्या किया, फिर कोई भी डिस्टेंस या कोई भी रेडियस का आर्क लिया और पी को सेंटर मान के हमने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। सेम डिस्टेंस या सेम रेडियस का आर्क हमने एम से भी ड्रॉ किया, फिर हमने ये वाली डिस्टेंस मेजर की, ये वाली डिस्टेंस मेजर की, तो यहाँ से हमने फिर वो आर्क, सेम डिस्टेंस का आर्क यहाँ से भी कट किया। फिर हमने एक लाइन बनाई जो एम और ये वाले पॉइंट से पास हो रही है, और यही लाइन क्या हो जाएगी, हमारी टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझा आपको। तो चलो अभी हम करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। यानी कि हम लोग को क्या बोला है कि हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर का, फिर हमको क्या करना है, कॉर्ड बनाना है पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इधर ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो कॉर्ड का जो लेंथ है, यानी कि कॉर्ड पी क्यू जो है, वो क्या है, हमारा डायमीटर है। वाई, बिकॉज जो कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमारे डबल है रेडियस के, है ना। और वी नो दैट डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना। तो देखो, टू इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3.3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 और पॉइंट। तो डायमीटर की जो लेंथ क्या आई हमारी, 6.6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है वो हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग बनाते और हम टेंजेंट भी बनाएंगे, कैसे बनाते देखते हैं। सबसे पहले हम रेडियस बनाएंगे 3.3 सेंटीमीटर का। तो पहले हम 3.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन, तो
ये लाइन ड्रॉ करेंगे 3.3 सेंटीमीटर की। ओके, फिर हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमारे कंपास में ये वाला हम क्या करेंगे, ये जो लाइन जितनी ली है हमने यानी कि 3.3 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस लेंगे हमारे कंपास पे और हम एक सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा सर्कल है 3.3 सेंटीमीटर का, ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर का। अब हमको क्या करना है, डायमीटर ड्रॉ करना है। और डायमीटर क्या होता है, सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने रेडियस बनाया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, इस तरफ भी एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारी अब क्या हो गई, डायमीटर हो गई। तो ये डायमीटर यानी कि ये हमारा कॉर्ड है, कौन सा कॉर्ड है, पी क्यू ये हमारा कॉर्ड है। और अभी हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है एट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू पॉइंट पे हम अब टेंजेंट बनाएंगे। अब ऐसा बोला तो है नहीं कि विथ यूजिंग सेंटर बनाओ या विदाउट यूजिंग सेंटर बनाओ, तो हम क्या करेंगे, विथ यूजिंग सेंटर बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इधर बनाते हैं टेंजेंट, फिर हम इधर बनाएंगे। तो ये जो रेडियस वाली जो लाइन है, मतलब ये वाली लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इस तरफ से थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक्सटेंड किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसके एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और वही हमारी टेंजेंट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी रेडियस का एक आर्क लेंगे और क्यू को, क्यू के इधर हम अपना कंपास रखेंगे और इस तरफ वो आर्क बनाएंगे और सेम डिस्टेंस का आर्क हम इस तरफ भी बनाएंगे। ओके, फिर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रेडियस को फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपास का डिस्टेंस इंक्रीज कर लेंगे और हम इधर अपना कंपास रखेंगे और ऊपर एक आर्क बनाएंगे और नीचे एक आर्क बनाएंगे। सेम डिस्टेंस का आर्क हम ये वाले आर्क से भी बनाएंगे, ऊपर एक आर्क बनाएंगे अभी और नीचे एक आर्क बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होगी और यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यू से एक लाइन ड्रॉ की जो क्या है, टेंजेंट है। अब हम सेम प्रोसेस ये वाले साइड में भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को, ये जो रेडियस है ये वाला, ये साइड वाला रेडियस, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब हम ये लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम और कोई भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम वही रेडियस का आर्क हम इस साइड ड्रॉ करेंगे, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे और ऊपर एक आर्क बनाएंगे, नीचे एक आर्क बनाएंगे, फिर हम इधर से भी ऊपर एक आर्क बनाएंगे और नीचे एक आर्क बनाएंगे। तो इधर हमारा आर्क इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर से दोबारा इधर आ जाएंगे और फिर से हम बनाएंगे इधर ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जॉइन करेंगे स्केल से। तो स्केल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होगी और ये लाइन हो जाएगी हमारी टेंजेंट वाली लाइन। देखो, तो हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया 3.3 सेंटीमीटर रेडियस का और फिर हमने कॉर्ड बनाया, पी क्यू कॉर्ड बनाया, और ये हमारा कॉर्ड जो है वो क्या है, हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो ये पी क्यू कॉर्ड जो है वो, उसकी लेंथ क्या है हमारी, 6.6 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे लिख देंगे इधर, ये जो है 6.6 सेंटीमीटर की लेंथ है इस कॉर्ड की लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, अभी टेंजेंट बनाएंगे जो क्यू से पास होगी और पी से पास होगी। तो कैसे बनाएंगे हम, ये वाला जो रेडियस है, इस तरफ जो रेडियस है उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और फिर ये लाइन के हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और वो हमारी टेंजेंट होगी जो क्यू से पास होगी। सेम हम ये वाले जो रेडियस है उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और फिर हम इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो पी पॉइंट से क्या करेगी, पास होगी हमारी, और ये हमारा जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, इन इट कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट पॉइंट M एंड N टू द सर्कल। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3.4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 3.4 सेंटीमीटर है और हमको इसी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम ये वाला कंपस में क्या कर लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे और हम सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा सर्कल रेडी है ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या करना है, ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, इन इट हमको एक कॉर्ड बनाना है। क्या करना है, कॉर्ड बनाना है ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। तो अब हम एक कॉर्ड बनाएंगे कंपस में, 5.7 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, 5.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। तो ये ले लिया मैंने 5.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अपना कंपस रखेंगे और हम क्या करेंगे, और ये जो 5.7 सेंटीमीटर का जो आर्क लिया है हमने, यानी कि 5.7 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस लिया है हमने कंपस के ऊपर, उस मेजर का हम एक आर्क बना देंगे, ठीक है। और वो सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये वाला आर्क। तो ये जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट को, और जहाँ पे हमने अपना कंपस रखा था, मतलब हमने अपना कंपस कहाँ रखा था, यहाँ पे, ठीक है, वो पता होना चाहिए हमको। और उसको हम क्या करेंगे, अभी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, हमारा कॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉर्ड मिल गया हमको MN, ये रहा हमारा M और N। और अगर तुम लोग इसको मेजर करोगे तो ये 5.7 सेंटीमीटर का ही होगा, यस 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करने हैं टेंजेंट M और N से क्या करेंगे, जो पास होंगे। तो यहाँ पे हमको बोला तो नहीं कि विथ यूजिंग सेंटर बनाओ या विदाउट यूजिंग सेंटर बनाओ, तो हम क्या करेंगे, विथ यूजिंग सेंटर बनाएंगे। तो विथ यूजिंग, अगर हमको सेंटर हमको टेंजेंट बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक रेडियस जो सेंटर से स्टार्ट होगा और जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है हमको, उस पॉइंट पे हम अपने रेडियस को लेके जाएंगे और उधर से ही थोड़ी लाइन हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ओके, सेम प्रोसेस हम इधर भी करेंगे, एक रेडियस बनाएंगे हम सेंटर से जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट बनानी है, इस पॉइंट पे भी हमको टेंजेंट चाहिए ना, तो हमने एक रेडियस बनाया बट उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी एक्सटेंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है उसके एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और ये जो लाइन है उसके एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट वाली लाइन हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, M से कोई भी रेडियस का आर्क लेंगे और यहाँ पे वो आर्क कट कर लेंगे, सेम रेडियस का आर्क इस साइड भी कट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा हम अपना डिस्टेंस बढ़ा देंगे, फिर ऊपर एक आर्क कट करेंगे, नीचे एक आर्क कट करेंगे, सेम डिस्टेंस का आर्क इधर से भी लेके ऊपर करेंगे एक आर्क कट और नीचे एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको इंटरसेक्ट वाला पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है तो दोबारा जाएंगे पीछे और बड़ा कर लेंगे आर्क। तो अब देखो, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। ये देखो, ये हो गई हमारी टेंजेंट विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट M। अब सेम हम यहाँ पे वो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है उसके हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन है तो परपेंडिकुलर वाला सिंबल भी दे देते। तो N से कोई भी रेडियस का एक आर्क ले लो, इस साइड वो आर्क को कट करो, सेम डिस्टेंस का आर्क इस साइड भी करना, फिर थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बढ़ा दो आर्क का और ऊपर एक आर्क कट करेंगे, नीचे एक आर्क कट करेंगे, सेम डिस्टेंस का आर्क इस साइड से भी लेंगे और ऊपर वो आर्क को कट करेंगे और नीचे करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे,
एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये पॉइंट और ये पॉइंट से क्या होगी, पास होगी, देखो। और ये ही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया टेंजेंट विथ यूजिंग सेंटर, विथ यूजिंग सेंटर, क्योंकि सेंटर के यूज से ही हमने ये टेंजेंट बनाई है। देखो जो ये लाइन, जो इस लाइन के मदद से हमने क्या किया है, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाया है। ये लाइन जो है वो सेंटर से बनाई है ना हमने, इसलिए सेंटर का यूज हुआ है। तो अगर आपको नाम देना है तो नाम भी दे सकते हैं। ये हमारा समझो ए लेते हैं हम, इसको बी ले लेंगे, इसको हम सी ले लेंगे, इसको हम डी ले लेंगे, और सेंटर को हम ओ ले लेंगे। ओके, ये कॉर्ड है हमारा कितना, 5.7 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख लेंगे इधर 5.7 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट क्यू एट द डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू। यानी हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है विथ सेंटर पी, और वो सर्कल का रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। फिर हमको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, क्यू पॉइंट लेना है एट द डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी कि सेंटर से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे जिसका डिस्टेंस क्या होगा, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या करना है हमको, उस पॉइंट से क्या करने हैं, टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इसका मतलब देखो, रेडियस हमारा कितना है 3.4 सेंटीमीटर का, और जो पॉइंट लेना है हमको सेंटर से, वो कितने डिस्टेंस पे है, 5.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो हमारे सर्कल के बाहर होगा, यानी हमको एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करने हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो हमको कितने टेंजेंट मिलेंगे, 2 टेंजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो 3.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके मदद से हम अपना सर्कल बनाएंगे। तो 3.4, तो ये रहा 3.4 सेंटीमीटर का लाइन। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके मदद से हम अपना सर्कल बनाएंगे। ये देखो, ये वाला डिस्टेंस लिया हमने, अब सर्कल बनाते हैं। तो ये सर्कल बन गया 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का। अब हमको क्या करना है, पॉइंट लेना है, पॉइंट Q एट द डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो अब क्या करेंगे, हम अपनी स्केल रखेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा सेंटर है, और सेंटर से हमको कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर किधर है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको जॉइन करेंगे, ठीक है। ये जॉइन किया, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, Q, और ये Q पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। और हमको सेंटर क्या लेना है, सेंटर क्या लेने बोला था, P। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे। तो टेंजेंट बनाना है तो उसके स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट मिली है हमको PQ, इस सेगमेंट का हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो चलो करते हैं। तो क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, मोर देन हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऊपर एक आर्क कट करेंगे, नीचे एक आर्क कट करेंगे, फिर पी से सेम डिस्टेंस का आर्क पी से भी लेंगे, ऊपर एक आर्क कट करेंगे और नीचे एक आर्क कट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये लाइन ड्रॉ की मैंने, जहाँ पे ये दोनों आग इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन जो है वो क्या है, सेगमेंट पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, और वो क्या है, परपेंडिकुलर भी है। ओके, तो हमको ये यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एम। ओके, ये क्या है, हमारा मिड पॉइंट भी है, मिड पॉइंट भी है। अब हमको क्या करना है, एम को सेंटर मान के, एम को क्या करना है, सेंटर मानना है, और एम पी को क्या करना है, रेडियस मानना है, ठीक है। एम पी क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, और हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
आप चाहो तो पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, या सिर्फ क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक आर्क या यहाँ पे एक आर्क भी कट कर सकते हो। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एम को सेंटर मान रहे हैं और एम पी को रेडियस मान के एक सर्कल बना सकते हैं। देखो, या तो सर्कल पूरा ड्रॉ कर सकते हो या जस्ट क्या कर सकते हो, एक आर्क ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सिर्फ एक आर्क ड्रॉ करना है तो भी चलेगा, या मैं पूरा सर्कल भी बना सकती हूँ। देखो ये पूरा सर्कल भी बन जाएगा। तो ये सर्कल बन गया। अब जहां पे ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट से क्या होगी, हमारी टेंजेंट पास होगी। देखो अब हमको इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम लाइन से ज्वाइन कर देंगे। सेम इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, लाइन से सेम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कंस्ट्रक्ट की। आप चाहो तो पूरा सर्कल भी बना सकते हो या जस्ट क्या कर सकते हो, आग भी ले सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा नाम दे देंगे, ये हो गया ए समझो, ये हो गया बी, और जहाँ पे ये टेंजेंट टच कर रहे हैं इस सर्कल को, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं एक्स और वाई। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 5.5 सेंटीमीटर का। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है ऑफ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, और फिर हमको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 7.3 सेंटीमीटर। यानी कि वो पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, सर्कल के बाहर मिलेगा। यानी सर्कल के बाहर से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वी कैन से एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगी 4.1 सेंटीमीटर की लाइन। फिर हम इस लाइन के मदद से क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है वो अपने कंपास में ले लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल रेडी। अब क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे जो कितने डिस्टेंट पे है, 7.3 सेंटीमीटर डिस्टेंट पे है फ्रॉम सेंटर। यहाँ पे रखेंगे अपने स्केल को, और फिर ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7.3। तो 7.3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और हम यहाँ से सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, और 7.3 तक हम ये डिस्टेंस को लेंगे। हम इधर नाम दे देते, क्योंकि नाम हमको कुछ बोला नहीं है लेने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा समझो सेंटर ओ, और ये जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं पी। अब हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से क्या करेंगे, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट, चलो स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब हमारे सामने क्या है, ओपी सेगमेंट है। हम क्या करेंगे, इस ओपी सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ लेके और एक ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम डिस्टेंस का आर्क हम ओ से भी ड्रॉ करेंगे, ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क। फिर हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारा पॉइंट क्या है, एम, और ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, ओ पी का क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन क्या है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या कि ये ओपी को बाइसेक्ट कर रही है, ओके यानी ये एम हमारा मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब हम क्या करेंगे, एम को सेंटर मानेंगे और एम ओ को रेडियस मानेंगे, यानी एम को सेंटर मानते हुए और एम ओ को रेडियस मान के हम क्या करेंगे, एक पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो और जस्ट अगर तुमको क्या करना है, एक यहाँ से एक आग बनाना है छोटा सा, यहाँ से एक आग बनाना है छोटा सा, तो वो भी कर सकते हो और एक पूरा सर्कल भी बना सकते हो या सिर्फ इतना भी बना सकते हो, ये इतना वाला मेजर भी ले सकते हो, कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बस हमको क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट चाहिए बस। फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो हमको टेंजेंट मिल जाएगी। देखो पी और ये वाले पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, पी और ये वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट वाली लाइन। फिर हम इसको नाम दे देंगे, ये हो गई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये समझो एक्स, ये हो गया जेड, ओके। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 7.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आप लोग को समझा होगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।